दोस्तों गाना तो हम लोग सभी सुनते हैं, चाहे आपका लैपटॉप से, कंप्यूटर से, एमपी3 प्लेयर से या अपना मोबाइल से। तो दोस्तों आपने जरूर एक चीज नोटिस किया होगा कि कभी हम लोग गाना सुनते हैं तो उस गाने में या तो उस गाने का जो राइटर है उसका, या किसी सिंगर का, या किसी मूवी का होगा तो उस मूवी का पोस्टर का, नहीं तो किसी कैरेक्टर का जो है पिक्चर लगा रहता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई पसंदीदा फोटो ऐसे, क्या आपका खुद का फोटो या आपके गर्लफ्रेंड का फोटो लगाना चाहते हैं उस गाने पे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो कैसे वो चलिए देखते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बशीष एंड यू आर वाचिंग लैंडिंग जोन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अपना फोटो या आपका गर्लफ्रेंड का फोटो कैसे लगाएंगे आप किसी भी गाने पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है गूगल प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके ये जो एप्स है आप देख सकते हैं, इसका नाम है एल्बम आर्ट चेंजर। इस एप्स को आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं, तो मैं इसको ओपन करता हूं सिंपली ओपन में क्लिक करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ओपन में क्लिक किया हूं तो मेरे फोन में जितना भी गाना है यहां पे शो कर रहे हैं। तो दोस्तों आप मुझे चूज करना है कोई भी एक गाना जिसका मैं एल्बम आर्ट चेंज करना चाहता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पे एक बंगाली सॉन्ग को मैंने चूज किया हूं जो मैंने डाउनलोड किया था bengali-mp3.com से। तो इसका खुद अपना एक लोगो टाइप का बना हुआ है, तो मैं इसको चेंज करके कोई भी एक फोटो जो है लगाना चाहता हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, आप ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे एक पेन टाइप का दिख रहा है आपको, तो उसी में आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऐसे चारों ऑप्शन आ जाएगा, सर्च आर्ट, क्लियर आर्ट, एडिट टैग्स एंड चूज फ्रॉम गैलरी। तो दोस्तों सर्च आर्ट यानी कि अगर आप पहले से कुछ आर्ट को चेंज करते हैं तो वहां से वो सर्च करके आपको दिखाएगा। क्लियर आर्ट यानी कि मैं जो bengali-mp3.com से जो डाउनलोड किया था उसका जो अपना एक लोगो है, इसको मैं अगर क्लियर करना चाहता हूं तो मैं क्लियर आर्ट में क्लिक करता हूं। अगर आप एडिट टैग्स में क्लिक करते हैं तो जितना भी टैग्स हैं यानी कि जैसे गाने के जो टाइटल हैं, कौन बनाया, कब पब्लिश हुआ, क्या है, पूरा जितना भी डिटेल्स हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं यहां से। और हमें जो करना है अभी चूज फ्रॉम गैलरी यानी कि गैलरी से हम कोई भी एक फोटो चूज करते हैं और उसको यहां पे लगाएंगे। तो सिंपली जाके हम क्लिक करते हैं चूज फ्रॉम गैलरी पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मैंने चूज फ्रॉम गैलरी में क्लिक किया हूं तो यहाँ पे मेरा जितना भी फोटोज वगैरह है, व्हाट्सएप इमेज, डाउनलोड इमेज, कैमरा जो भी है सब यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो मैंने सिंपली इस फोटो को चूज कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोटो जो है वो आ गया है। आप देख सकते हैं कि ये फोटो जो है वो चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जाके यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहे हैं आपको ऊपर में, यहाँ से जाके आप सेव टू गैलरी भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप बैक भी करेंगे तो ये फोटो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सेव टू गैलरी करते हैं इसका मतलब ये है, तो दोस्तों ये जो एप्स हैं जिसका नाम है एल्बम आर्ट चेंजर, इस एप का जो अपना गैलरी होता है उस गैलरी में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो ये बन गया, अभी मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये प्ले हो रहा है और बैकग्राउंड में जो है ये अपना इमेज जो मैंने लगाया था तो ये आ गया। तो ऐसे ही दोस्तों आप अपने किसी का भी फोटो लगा सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और आपको ये कैसा लगा वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो और दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।